स्टूडेंट्स ये हमारे पास अगेन uh, एक स्टूडेंट आउट है और इसमें क्या बोल रहे हैं एन एलिमेंट ई इज ट्राइवेलेंट राइट द ऑफ इट्स क्लोराइड एंड ऑक्साइड ठीक है element, e right? oxide, एक एलिमेंट आपके पास गिवन है वो ट्राइवेलेंट है ठीक है अब मुझे पता है कि जो क्लोराइड है इनकी जो विलेंसी होती है वो हमेशा माइनस वन होती है और ऑक्साइड जो है इसकी विलेंसी हमारे पास माइनस टू होती है राइट तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो ई e है ये क्या विलेंसी होल्ड करेगा प्लस थ्री ट्राई वेलेंट का मतलब क्या है इसकी जो विलेंसी है वो हमारे पास प्लस थ्री आ रही है राइट सो अगेन हम क्रॉस विलेंसी जो मेथड है वो ही अप्लाई करेंगे सो विलेंसी ऑफ एलिमेंट ई प्लस थ्री है राइट विलेंसी ऑफ पहले हम क्लोराइड आइन्स जो हैं उनका सॉल्व करेंगे सो क्लोराइड इज माइनस वन ओके अब अगेन हम इसको क्रॉस वैलेंसी मेथड के साथ सॉल्व करेंगे सो so, आप सिंबल मेंशन कर लो सभी के सो so, अब ये हमारे पास कैटाइन एक्ट कर रही है तो इसको हम पहले लिखेंगे ई एंड क्लोराइड एनाइन एक्ट कर रहा है तो इसको बाद में लिखेंगे ठीक है वैलेंसी मेंशन कर देंगे वैलेंसी प्लस थ्री है ई e की और क्लोराइड की माइनस वन है राइट right? फिर से हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया अब इसका साइन मेंशन नहीं करना है सिर्फ हमें नंबर जो आ रहा है वेलेंसी का वही मेंशन करना है ठीक है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा फॉर्मूला विल बी ई वन सी एल थ्री ओके तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू दी क्लोराइड आयन्स प्लस थ्री वेलेंसी जो है वो होल्ड कर सकता है लेकिन जो नाइट्रोजन है उसका साइज इतना छोटा होता है कि ये तीन बड़े बड़े क्लोराइड आयन जो है वो होल्ड करके नहीं रख पाता है तो इसीलिए ये जो हमारे पास कंपाउंड है एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन नाइट्रोजन के वेरी नेक्स्ट जो फॉस्फरस है ठीक है वो क्या करता है वो क्लोराइड के साथ बॉन्ड बना के पी सी एल थ्री कंपाउंड जो है वो फॉर्म कर लेता है ठीक है तो इसकी एक एग्जाम्पल ई सी एल थ्री की एग्जाम्पल क्या आ गई पी सी एल थ्री ठीक है ये आपका ए पार्ट था सेकेंड बी पार्ट में बोल रहे हैं कि ऑक्साइड बताइए ठीक है अगेन विलेंसी ऑफ एलिमेंट ई कितनी आ रही है प्लस थ्री विलेंसी ऑफ ऑक्साइड हमने ऊपर ही मैंशन कर दिया है दैट इज माइनस टू ठीक है अब अगेन सिंबल लिख लेंगे केटाइन पहले लिखेंगे और एनाइन बाद में सो so, केटाइन इज ई e, एनाइन इज ओ ठीक है एंड विलेंसी ऑक्साइड की विलेंसी माइनस टू आती है और जो केटाइन है उसकी विलेंसी प्लस थ्री ऑलरेडी दी हुई है सो विल जस्ट मैंशन ओवर हेयर ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो जब आपने विलेंसिस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया दैट इज ओ थ्री ठीक है अब इस केस में ऑक्सीजन जो है वो कंपेरेबल साइज का है तो ये क्या करेगा दो नाइट्रोजन के साथ तीन ऑक्सीजन मिलके हमारे पास डाई नाइट्रोजन ट्राई बना देंगे सो यू विल हैव है As your final compound for E2O3 formulation.